जया जया रे अब करता तातया रमया वस्तावया रमया वस्तावया। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान का थर्ड सॉन्ग यानी रमैया वस्तवैया सॉन्ग रिलीज हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। एज मच एक्सपेक्टेड जैसा कि मैंने कल नॉट रमैया वस्तवैया का टीजर सॉन्ग जब निकला था तब कहा था कि गाना एवरेज आएगा और एवरेज ही निकला, क्योंकि पठान से कंपेयर करें तो यार इस बार जवान के तीनों सॉन्ग में से कोई ऐसा ही नहीं हिट कर रहा है एक बार के लिए कि रिप्ले करके देखें हम दोबारा से। मैंने एक बार ही देखा, ठीक ठाक लगा और हो गया बस। हाँ, रंग बिरंगा सेटअप ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, लुक्स में बहुत फॉर्मेशन है इस बार जवान के सभी गानों में और मैं ये कहूँगा जिंदा बंदा के मुकाबले थर्ड सॉन्ग इज़ द बेस्ट सॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा है कि बहुत बेकार है, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज है। एवरेज इन द सेंस ऑफ लिरिक, जो फेस है सॉन्ग का जहाँ से गाना ऊपर उठता है, मैंने किया छैया छैया हो दिल करे ताता थैया, क्या छपरी लिरिक है यार। SRK की पर्सनैलिटी को यह बिल्कुल मैच नहीं कर पाया, लेकिन 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 हाँ, म्यूजिक के दम पर और उसमें भी वो BGM और वो स्टार्टिंग विसिल के साथ टेने ये जबरदस्त था। मतलब म्यूजिक के दम पे फाड़ दिया, बाय गॉड पार्टी सॉन्ग है और ये गाना अगर हिट भी जाएगा तो सिर्फ अपने म्यूजिक के दम पर हिट जाएगा। यस, जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा कहेंगे, हम यहाँ पर किसी की बुराई के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, बस एक बेस्ट रिव्यू देना चाहते हैं और कुछ नहीं। म्यूजिक बहुत शानदार है, बिल्कुल अच्छे साउंड सिस्टम में अगर ये बज गया तो पाँव अपने आप ही थिरकने लग जाएंगे डेफिनेटली। इसी के साथ नयनतारा की केमिस्ट्री ऑसम है, जबरदस्त एंट्री के साथ जो कोलैब किया है SRK को, जो मैचअप किया है SRK को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंधा मिलाकर मैचअप करने की कोशिश करी है। हाँ, यहाँ से SRK का मेन स्टेप आइकॉनिक होने वाला है, हाथ ऊपर उठा के वो हाथ ऊपर करके जो हुक्स करने वाला, हालांकि ये विजय थालापति के किसी डांस स्टाइल से कॉपी किया गया है लेकिन SRK पर सूट कर रहे हैं। ऑसम यार, यही तो खासियत है SRK की, कोई भी चीज़ या बंदा उसे अपना बना लेता है, डेफिनेटली यही होनी चाहिए एक स्टार की खासियत, स्टार की मेहनत। लोग इसमें इसी पार्ट का रील भी बनाएंगे जरूर और ये वायरल भी होगा। इसी के साथ मैंने हिंदी वर्जन का सॉन्ग भी देखा, तमिल का भी देखा और तेलुगु का भी देखा। हाँ, SRK ने हिंदी ऑडियंस के लिए काम किया है इस बार, मैं दिल से खुश हूँ इस बार। बाकी मुझे एक्चुअल समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस सॉन्ग का ओरिजिनल वर्जन कौन सा है, हिंदी या तमिल, लेकिन बेस्ट वर्जन लगा मुझे हिंदी का। बिल्कुल सब मैचअप हो रहा है, लिप सिंक भी मैच हो रहा है SRK का अच्छा खासा, लेकिन तमिल वर्जन में अगर मैं कहीं ना कहीं देखूँ तो लिप सिंक नहीं हो रहा है। तो एक बार के लिए देखकर लग रहा है कि हिंदी वर्जन इज़ द ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन सॉन्ग का जो फुल वाइब है वो तमिल वर्जन की रिदम को मैच कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बाकी ओवरऑल सॉन्ग ऑसम है, लिरिक में एवरेज है और म्यूजिक में ब्लॉकबस्टर है। जिंदा बंदा सॉन्ग के मुकाबले 10 गुना बेहतर है ये सॉन्ग, लेकिन सेकेंड सॉन्ग चलिया के मुकाबले 19-20 का फर्क है, क्योंकि चलिया में अरिजीत दादा ने भी फाड़ के रखा है। लिरिक भाई, चलिया इज़ द ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। तो भाई जिसने भी नॉट रमैया वस्तवैया सॉन्ग नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखो, तड़कता भड़कता पार्टी सॉन्ग है, इज वेटिंग फॉर यू, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीनों वर्जन में देखना, मजा आएगा, हर वर्जन में एक अलग वाइब देखने को मिलेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स पर नीचे जरूर बता के जाना कि बेस्ट वर्जन कौन सा लगा आप लोगों को, और जिसने देख लिया है तो गाना आपको कैसा लगा, आप भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करके जाना। बाकी अगर आप में से किसी लोगों को यह पता है कि इसका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा वर्जन है, हिंदी तमिल या तेलुगु, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।